KTurtle में Common Errors पर इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। Syntax Errors, Runtime Errors और Logical Errors। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं Ubuntu Linux OS वर्जन 12.04, KTurtle वर्जन 0.8.1 बीटा का उपयोग कर रही हूँ। हम मानते हैं कि आपको KTurtle के कार्य का बुनियादी ज्ञान है। यदि नहीं, तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट spoken-tutorial.org देखें। पहले समझते हैं कि एरर क्या है। एरर प्रोग्राम में एक गलती है जो इनकरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड परिणाम देता है। पहले मैं एरर के प्रकारों के बारे में समझाऊंगी। सिंटैक्स एरर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के व्याकरणिक नियमों का उल्लंघन है। कंपाइलेशन असफल होता है जब प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर्स होती हैं। सिंटैक्स एरर्स पता करने और फिक्स करने में आसान होती हैं। उदाहरणस्वरूप, अनमैच्ड पैरेंथेसिस, स्क्वायर और कर्ली ब्रेसेस, वेरिएबल का उपयोग जो घोषित नहीं की गई हैं, स्ट्रिंग्स में अनुपस्थित कोट्स। एक नया KTurtle एप्लीकेशन खोलें। डैश होम पर क्लिक करें। सर्च बार में KTurtle टाइप करें। KTurtle आइकन पर क्लिक करें। अब सिंटैक्स एरर्स के कुछ प्रकारों के साथ ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम में एरर को समझाने के लिए मैं कोड के भाग को कमेंट करूंगी। यहां मैं इस लाइन को कमेंट करूंगी। $a equal to ask डबल कोट्स में enter any number and click OK। मैं लाइन को कमेंट करने के लिए हैश चिन्ह का उपयोग करूंगी। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। यहां ट्यूटोरियल रोकें और अपने KTurtle एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें। प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें। प्रोग्राम रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। कंपाइलर निम्न एरर दर्शाता है। वेरिएबल $a was used without first being assigned to a value। यहां एरर लाइन संख्या 4 पर है। यह सिंटैक्स एरर है। यह हुआ क्योंकि वेरिएबल a घोषित नहीं था। अतः मैं लाइन 2 पर जाऊंगी और कमेंट हटा दूंगी। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। a वैल्यू के लिए 6 प्रविष्ट करें और ओके पर क्लिक करें। प्रोग्राम बिना एरर्स के रन होता है। मैं KTurtle एडिटर से वर्तमान प्रोग्राम हटा दूंगी। क्लियर कमांड टाइप करें और कैनवास साफ करने के लिए रन करें। अब अन्य एरर देखते हैं। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में एक प्रोग्राम पहले से ही है। यहां KTurtle में पाई की वैल्यू पहले से ही दी गई है। प्रोग्राम में डॉलर चिन्ह को डिलीट करें। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। यहां ट्यूटोरियल रोकें और अपने KTurtle एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें। प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। कंपाइलर निम्न एरर दर्शाता है। यू कैनॉट पुट इक्वल टू हियर। यह एरर लाइन संख्या 2 पर है। यह सिंटैक्स एरर है। यह हुआ क्योंकि यहां वेरिएबल का कंटेनर नहीं है। प्रोग्राम पर वापस जाएं। डॉलर चिन्ह बदलें। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। कोण की वैल्यू के लिए 45 प्रविष्ट करें और ओके पर क्लिक करें। प्रोग्राम बिना एरर्स के रन होता है।
स्ट्रिंग का एक कोट्स हटा दें। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। कंपाइलर निम्न एरर दर्शाता है। टेक्स्ट स्ट्रिंग वाज नॉट प्रॉपर्ली क्लोज्ड। एक्सपेक्टेड अ डबल कोट टू क्लोज द स्ट्रिंग। यहां एरर लाइन संख्या 2 पर है। मैं वापस लाइन संख्या 2 पर जाऊंगी और कोट्स को हटा दूंगी। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। कोण की वैल्यू के लिए 45 प्रविष्ट करें और ओके पर क्लिक करें। प्रोग्राम बिना एरर्स के रन होता है। इस तरह से आप उस लाइन का पता लगा सकते हैं जिसमें एरर आ रही है और इसे सही भी कर सकते हैं। अब रन टाइम एरर्स के बारे में सीखते हैं। रन टाइम एरर प्रोग्राम के निष्पादन के समय आती है। यह प्रोग्राम को क्रैश कर सकती है जब आप इसे रन करते हैं। रन टाइम एरर्स सामान्यतः यूजर द्वारा गलत इनपुट के कारण होती है। कंपाइलर इन एरर्स का पता नहीं लगा सकता। उदाहरणस्वरूप एक वेरिएबल द्वारा विभाजित करने की कोशिश जिसमें वैल्यू ना हो, टर्मिनेटिंग कंडीशन या इंक्रीमेंट वैल्यू के बिना एक लूप रन करना। मैं एडिटर से वर्तमान प्रोग्राम हटा दूंगी। क्लियर कमांड टाइप करें और कैनवास को साफ करने के लिए रन करें। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही एक प्रोग्राम है। यह प्रोग्राम 2 नंबरों का विभाजन करता है। a भाज्य है और r भाजक है। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। ट्यूटोरियल रोकें और प्रोग्राम को अपने KTurtle एडिटर में टाइप करें। प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। a के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओके पर क्लिक करें। r के लिए 0 प्रविष्ट करें और ओके पर क्लिक करें। यहां हमें रन टाइम एरर मिलती है। यू ट्राई टू डिवाइड बाय 0। यह एरर लाइन संख्या 4 पर है। यह एरर हुई क्योंकि हम 0 के साथ संख्या विभाजित नहीं कर सकते हैं। फिर से रन करें। a के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओके पर क्लिक करें। r के लिए 2 प्रविष्ट करें और ओके पर क्लिक करें। प्रोग्राम बिना एरर के रन होता है। मैं KTurtle एडिटर से वर्तमान प्रोग्राम हटा दूंगी। क्लियर कमांड टाइप करें और कैनवास को साफ करने के लिए रन करें। अब हम लॉजिकल एरर्स के बारे में सीखेंगे। लॉजिकल एरर प्रोग्राम के सोर्स कोड में एक गलती है जिसका परिणाम इनकरेक्ट या अनएक्सपेक्टेड व्यवहार है। उदाहरणस्वरूप गलत वेरिएबल में वैल्यू निर्दिष्ट करना, दो संख्याओं का जोड़ के बजाय गुणा करना। मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में पहले से ही एक प्रोग्राम है। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। यहां ट्यूटोरियल रोकें और प्रोग्राम को अपने KTurtle एडिटर में टाइप करें। प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें। अब प्रोग्राम रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है। ओके पर क्लिक करें। लूप एक इनफिनिट लूप में जाता है। हम देखते हैं कि व्हाइल लूप 31 से संख्याएं प्रिंट करता है और अभी तक प्रिंट कर रहा है। यह एक लॉजिकल एरर है। व्हाइल कंडीशन में x 20 से अधिक है, लेकिन वेरिएबल x हमेशा 20 से अधिक होता है। अतः लूप कभी भी टर्मिनेट नहीं होता। मैं प्रक्रिया को एबॉर्ट करने के लिए एबॉर्ट बटन पर क्लिक करूंगी। $x equal to $x plus 1 को $x equal to $x minus 1 में बदलें। मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करूंगी और इसे KTurtle एडिटर में पेस्ट करूंगी। प्रोग्राम को रन करने के लिए रन बटन पर क्लिक करें। एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होता है। ओके पर क्लिक करें।
लूप 29 से 20 तक वैल्यू को प्रिंट करने के बाद टर्मिनेट होता है। इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गए हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा एरर्स और एरर्स के प्रकार जैसे वेरिएबल का उपयोग जिसे घोषित नहीं किया गया है, स्ट्रिंग्स में अनुपस्थित कोट्स, रनटाइम एरर्स और लॉजिकल एरर्स। एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहती हूं कि आप दिए गए प्रोग्राम्स में एरर पता करें। इस लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट देवेंद्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। IIT मुंबई की ओर से अब मैं गगनदीप कौर आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।